राखी जी, पर आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप लोग मत आइए मेरे पीछे। दुनिया को लगता है कि मैं मीडिया में क्यों आती हूँ, इसलिए आती हूँ कि मैं मीडिया के पास नहीं जाऊँ तो क्या मैं कोर्ट में जाके बैठूँ? मैं कोर्ट में छोटी छोटी चीज के लिए? जब मेरी शादी का मैंने वायरल किया, मीडिया के पास आई, मीडिया ने न्याय दिलाया, देश ने न्याय दिलाया, आदिल डर के मारे शादी कबूल किया ना? हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। राखी, हम आते हैं, नहीं किया, नहीं किया उसने। वो लड़की ना, वो लड़की का कल मैसेज भी आया, वीडियो कॉल, आदिल इनकार कर रहा है तुम्हारे से शादी। वो लड़की कह रही है कि आदिल मुझे कह रहा है कि तुम उसकी बीवी ही नहीं हो। मैंने कहा पूरे देश को जाके पूछो, निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया? वो मुस्लिम समाज को जो निकाह किया उसको ठुकरा नहीं सकता आदिल, आप कोर्ट मैरिज किया उसको ठुकरा नहीं सकते आदिल। राखी जी, आज भी एक सुबह एक वीडियो आया था जिसपे काफी लोग ने कहा कि आप दुखी दिख रहे, बट कार में वो खुश दिख रहे, हैप्पी दिख रहे, हंस रहे थे वो, उसको लेके आपकी क्या राय है? आज सुबह का जो एक वीडियो मैंने देखा, वो तो बहुत हंस रहा है, कह रहे कि पूरी दुनिया तुम्हें थू-थू कर रही है, मैं दुनिया का हीरो हूँ, तुम्हें दुनिया जोकर कह रही है। पहले पति का ड्रामा लेकर आई थी, दूसरे पति का ड्रामा लेकर आ रही है। माँ मर गई, वो भी ड्रामा है क्या? वो भी ड्रामा है। माँ मेरे हॉस्पिटल में थी, इसलिए ये बात मैं बोल नहीं पाई, बता नहीं पाई, खामोश रही मैं। कहते दुनिया तुम पर हंस रही, जाके कमेंट देखो। कल रात को वो मेरे साथ सो रहे थे ना, तब उन्होंने कहा, कह रही कि तुम अगर मीडिया में मेरा सब कुछ उस लड़की के साथ वायरल कर दोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। मैंने कहा मैं नहीं वायरल करूंगी, मुझे डाइवोर्स मत दो, मैं नहीं वायरल करूंगी। मैंने मीडिया के द्वारा सिर्फ उस लड़की को एक वार्निंग दी है, लेकिन वो लड़की मुझे कल फोन करके कहती है कि मैं मीडिया से किसी से नहीं डरती, मैं तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरती, और आदिल तुमको डाइवोर्स देकर रहेगा। वो डंके की चोट पर कहती है, 100% वो मेरा प्यार है। मैंने उसे कहा जो अपनी बीवी का लॉयल नहीं तेरा रहेगा। कहता तुम्हें उसे रखना नहीं आया। मुझे रखना नहीं आया? मैसूर से वो 1 रुपया लेके मुंबई आया था, घर बोलो, गाड़ी बोलो, पैसे बोलो, जितने पैसे मैं आपको सब दिखा दूंगी, दुबई में घर बोलो, बॉलीवुड में नाम बोलो, घर घर में आदिल खान दुरानी का नाम पहुंचाना बोलो। किसने पहुंचाया? क्या वो लड़की ने पहुंचाया? मैं मीडिया वालों से पूछती हूँ, किसने पहुंचाया? आपने तो मैंने साथ नहीं दिया अपने पति का, दिया, उन्होंने जो बोला वो मैंने मेरे पति का साथ नहीं दिया। 7-8 महीने शादी छुपा के बैठी मैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बोला कि मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, तुम अभी एक हिंदू बैकग्राउंड से लड़की आई हो, हमारे खानदान में कबूल नहीं करेंगे, मेरी बहन की शादी हो जाने दो, तब हम हमारा निकाह जो है वो सबके सामने लाएंगे। उनकी अम्मी ने बोला, उनकी आंटी ने बोला, उनकी अम्मी और आंटी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए खुदा के समान है। उनकी अम्मी और आंटी, उनके अब्बा, उन्होंने मुझे अज़ बहू अपना लिया, लेकिन आदिल मुझे अपना नहीं रहे हैं। शादीशुदा है वो मेरे साथ, लेकिन वो लड़की के लिए मुझे अपना नहीं रहे हैं। वो लड़की का और जी, लड़की का नाम क्या है? मैं नहीं बता सकते ना लड़की का नाम, 2 मिनट लगता है। आदिल ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे कि अगर मैं वो लड़की का नाम, इनके फोटो वोटो सब बता दिया तो। राखी जी, मेरा 2 सवाल रहेगा लास्ट। पहला तो आज सुबह के ही वीडियो में मैंने जब देखा, तब आदिल ने कहा कि जब आप उनके साथ लंच करते हो, डिनर करते हो, आप खुश रहते हो, बट मीडिया में आके आप दुखी हो जाते हो, एक पहला सवाल रहेगा। और दूसरा सवाल रहेगा कि आपने शादी 8 महीने तक छुपाई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आप मराठी बिग बॉस भी गए थे, मराठी बिग बॉस के बाद आने के बाद आपने शादी, देखिए हमारे गोल्डन मोमेंट्स भी रहे हैं, अच्छे मोमेंट्स भी रहे हैं, तो जब खाने जाएंगे तो क्या इंसान थोड़ी ना रोएगा? जब आप किसी को तकलीफ देंगे, आप किसी को तकलीफ देंगे, इंसान तब रोएगा ना। जब से मराठी बिग बॉस के बाहर में आई हूँ, एक दिन भी खामोश नहीं बैठी हूँ रोने के अलावा। जब मुझे पता चला कि इनका अफेयर चल रहा है, इनके 7-8 महीने की शादी में मैंने 3 लड़कियों से इनको अलग किया है, वक्त आने पर तीनों लड़कियों का नाम फोटो वोटो दे दूंगी,
पहले तो मेरे की देश की जनता जिसको मैंने इतना एंटरटेन किया जिंदगी में वो मेरा मजाक उड़ा रही है। अल्लाह अब्बा पिता खुदा परमेश्वर कभी आपकी बहू बेटी के साथ जो मेरे साथ हुआ ना ऐसा कभी ना करें। अगर ऐसा हो तो आप उन पे भी हंसना जितना आप मेरे पे हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे सच्चाई को मेरे दुख को ड्रामा बता रहे हो। मतलब आप मेरे को प्रवोक कर रहे हो कि मैं वीडियो सब कुछ बताऊं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी इसीलिए कि वो वक्त नहीं आया है। लेकिन कल लड़की ने प्रूफ कर दिया है, उसने कहा है कि वो आदिल को नहीं छोड़ेगी और आदिल ने भी बोला है कि मैं एक टाइम पे तुमको छोड़ सकता हूँ लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। वाह क्या शादी है मेरी, तुम लोग के सामने मुझे रोना नहीं है, नहीं रोऊंगी, मेरा मजाक उड़ाते हो सब लोग, नहीं रोना है मुझे तुम लोग के सामने, मेरा मजाक उड़ाते हो,